World poverty and development. Development deals with the elevation of poverty, and poverty is interrelated to other problems of underdevelopment. And specifically, in rural and urban communities, poverty can be very different. In urban areas, people often have access to health and education. बट मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज बाई पावर्टी आर मेड वर्स बाई थिंगस लाइक ओवर क्राउडिंग अनहाइजेनिक कंडीशंस पोलूशन अनसेफ हाउज एक्सेट्रा जब हम बात करते हैं दुनिया के अंदर पावर्टी की और फिर उसके साथ साथ हम रिलेशनशिप डिज़ाइन करते हैं उसका विद डपमेंट तो हमें इस बात आसानी से समझ आती है कि जो डवेलपमेंट है उसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ है कि डेवलपमेंट वहाँ होगी जहाँ पर पावर्टी या गुरबत कम होती चली जाएगी अब रबत के आ, मसले को समझने के लिए ये इंतहाई अहम है कि गुर्बत खुद बजाते खुद बहुत सारी अंडर डवेलपमेंट को कॉज करती है क्योंकि गुर्बत का मतलब या मकसद या इसका मफहम सिर्फ ये नहीं है कि ख़ास मेदार में इनकम का ना होना गुरबत है बल्कि बाज़ात जो बहुत सारी कम्यूनिटीज़ होती हैं जैसे रूरल कम्यूनिटीज़ हैं अर्बन कम्यूनिटीज़ हैं उनके यहाँ गुरबत का मफहमखल तरज से लिया जाता है हम अगर अर्बन सेंटर्स के अंदर देख लें तो उसमें आम तौर पर लोगों के पास किसी न किसी शक्ल में कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़रूर अवेलेबल होती हैं ऐसे ही एजुकेशन भी मैसर होती है लेवल की हम बात नहीं कर रहे हैं हम बुनियादी सहूलत की बात कर रहे हैं लेकिन अगर हम इसके साथ देखें कि अर्बन एरियाज़ के जो और मसाइल हैं जिनकी वजह से वहाँ गुरबत कम नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती चली जाती है वो क्या होती है वो ओवर क्राउडिंग होती है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो शहरों में आकर सेटल डाउन होना शुरू कर देते हैं जिससे शहरों पर बेपनाह दबाव उनके ज़राए पर बेपनाह दबाव पड़ता है और उसका आउटकम क्या होता है कि जो अनहाइजेनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उसकी वजह से फिर फर्दर प्रॉब्लम्स जो हैं वो राइज करते हैं उससे पोल्यूशन बढ़ता है फिर उसके साथ साथ जो अनसेफ हाउसेस हैं वो एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं समटाइम्स लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो सवाल उठना शुरू हो जाते हैं फिर अगर हम पावर्टी को मेयर करने का एक आसान तरीका जो है जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो ये है टू सेट अ मंथली एवरेज ऑन विच ए फैमिली कैन सर्वाइव हम ये देखें कि एक एवरेज इनकम एक एवरी एक एवरेज मंथली पैकेज क्या होता है जिसमें कि फैमिली एक गर्बत की लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार सके यानी कौन कितनी आमदनी होगी कितने जराए होने चाहिए कि एक ख़ानदान गुर्बत से निकल सके और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके अब यहाँ ये चीज़ जो है वो काउंट करती है कि जो बेसिक हाउस होल्ड्स हैं वो शहरों के अंदर उनका मैार उनके मकदार क्या है और ऐसे ही रूरल एरियाज़ के अंदर क्या है फिर खुद ख़ानदान के अफराद का नंबर कितना है और फिर अफराद की जो तादाद है उसमें बड़े एज के लोग कितने हैं बच्चे कितने हैं मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं क्योंकि तो हर एक की ख़ुराक की ज़रूरत फ़र्क है किसी को एजुकेशन चाहिए किसी की हेल्थ पर ज़्यादा फोकस चाहिए तो ये सवाल जो है इस पज़ल को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि एक सर्टन फार्मूला हर फैमिली पर हर जगह पर अप्लाई किया जा सके क्योंकि तो हम इससे एक और इम्पॉटेंट बात एक फॉर्मूला जो है वो एज की कॉम्पोजिशन पर अगर मुश्किल है उसको अप्लाई करना ऐसे ही जेंडर के लिए भी वो मुश्किल है तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेयरिंग पावर्टी के लिए है उसको हमें उसको ये देखना है कि जो पावर्टी का गैप है वो कैसे है अब पावर्टी गैप शोज फॉर हाउस होल्ड फॉल्स बिलो द पावर्टी लाइन सो इन अदर वर्ड्स इट शोज़ द डेप्थ ऑफ और डिग्री ऑफ पावर्टी अब ये सवाल कि एक खास जो इनकम है एक खास स्टैंडर्ड जो है अगर उससे ज़्यादा उससे कम तर लाइफ लोग गुजार रहे हैं तो इसका मतलब है वो पावर्टी लाइन के नीचे हैं लेकिन अब यहाँ ये भी तो देखना इम्पॉर्टेंट है ना कि एक लाइन जो ड्रॉ की गई है कि ये लाइन से नीचे वाले पावर्टी लाइन से नीचे हैं तो अब उस लाइन से नीचे कितने ज़्यादा चले जाते हैं यानी अगर दस हज़ार के नीचे वाले लोग जो हैं उनको पावर्टी लाइन से नीचे समझा जाएगा तो उस दस हज़ार में बहुत सारे लोग जो हैं वो नौ हज़ार पर होंगे कुछ लोग जो हैं वो पाँच हज़ार पर होंगे यानी वो गैप जब बढ़ता चला जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे लोगों के यहाँ गुरबत ज़्यादा है वैसे वैसे डेवलपमेंट की परसेंटेज कम से कम होती चली जाएगी और ऐसे ही बहुत सारे इलाके ऐसे भी होते हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो बज़ाहिरबत की लाइन से नीचे होते हैं लेकिन उनका गैप कम होता है और फिर कुछ इलाक़े ऐसे भी होते हैं जहाँ पर रबत की सतह बेइंतहा नीचे होती है तो ये जब हम लोगों को डिवाइड करते हैं उनकी पावर्टी की वजह से और उस मुल्क के अंदर डेवलपमेंट के स्टेटस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो यहाँ बहुत सारे वेरियस फॉर्मूलास वेरियस रिस्पॉन्स हैं जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ शेयर करते हैं लेकिन बाहर हाल कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हर एक का कंसेंसस है कि चाहे रूरल एरियाज़ हों चाहे अर्बन एरियाज़ हों अगर लोगों को उनकी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं हैं और बुनियादी सहूलतों के अंदर उनकी रिहाइश उनकी सेहत उनकी तालीम के साथ साथ अगर उनको मुनासिब खुराक भी नहीं मिल रही है तो यकीन ये उस मुल्क के अंदर डेवलपमेंट के चांसेस कम हैं और अगर डेवलपमेंट होगी भी तो फिर वो देरपा डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगी बल्कि उस डेवलपमेंट के बारे में भी बहुत सारे सवाल उठते रहेंगे